इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या मसला हो गया? अरे अब्बा मसला हुआ है मेरे लिए, अजाब बना दी यार मेरे लिए। एक तो मुझे घर से ऑफिस बुलाया बिजनेस संभालने के लिए, ऊपर से सारा काम दे दिया सर पे और हेल्प ही नहीं कर रहे मेरी। वो मामू है ना, उनको बिजनेस पार्टनर बनाया हुआ बेलवाजे का, नहीं चलाए जा रहे ऑफिस में। हाँ तो मुझ पर क्या रख रहे हो? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे अब्बा ने जो कदम उठाया है ना, वो कुछ सोच समझ के उठाया होगा, या क्या पता कोई मजबूरी हो। मेरी बात सुनो, मेरे जमशेद मामा बहुत अच्छे। बड़े अच्छे है तुम्हारे मामा, एक नंबर की लालची इंसान हो तुम्हारे अब्बा कमंडी। मेरे अब्बा? हाँ ये मैं भूलो कि मेरे अब्बा तुम्हारे चाचा भी है, तमीज से बात करो तुम। चाचा अगर नहीं करूंगा तो क्या कर लोगी बताओ? मैं तुम सबका मसला बताऊं क्या है? तुम सब पता नहीं अपने आपको क्या समझते हो। जब बड़े अब्बा के पास पैसे थे तब भी पता नहीं हम सबको क्या समझते थे तुम लोग। हाँ सब पे घर में तुम लोग अपने हुक्म चलाते हो, तुम्हें ये नहीं दिखता? तुम लोग जो ना एक नंबर के सेल्फिश हो, इतना एहसान किया हम लोगों ने तुम पे। आखिर दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपने एहसानात गिनवाते हो तुम लोग और हर चीज जताते हो। अगर इंसान ना शुक्र हो ना तो उसको एहसान जता देने चाहिए। खुद को देखोगे एक नंबर की सेल्फिश, घर में 10,000 मसले पड़े हैं यहाँ पे बैठ के। क्या दिखा रहे हो तुम? मुझे यहाँ से निकाल लूंगी मैं। नीचे आओ। खुद तो तुम कुछ कर नहीं सकते अपने लिए। तुम भी बड़ा कर सकते हो, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद तो आ जाती। मेरी हेल्प कर दो, मेरी हेल्प कर दो। जाओ यहाँ से, जाओ घूमो, जाओ यहाँ से। तमीज यूजर। ट्राउजर कहाँ है मेरा? पीछे टंगा हुआ होगा, आके खोल के देखो। ट्राउजर कहाँ है? कहाँ थी मैं? अब रोड खराब कर दिया। तौलिया लाओ। तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं, खुद बाहर निकल के ले लो। अशोक आप याम भाभी, तुम्हारा मक्कार चेहरा देखने के लिए आई। क्या कह रही हैं आप? मेरे सामने ये ड्रामे मत करो। तुम्हारी इस मासूमियत के पीछे जो साजिश है ना, जो तुमने जाल बिछाया है, मुझे ठीक तरीके से दिख रहा है। अपने भाई को तुमने साजिश में शामिल करके वैसे अच्छा नहीं किया भाभी। आप मुझे तो लग रहा था आप खुश होंगी, तो बचा लिया जमशेद ने कारोबार को। बचा लिया? बचा नहीं लिया, फायदा उठाया है। सोची समझी साजिश है ये सारी, खूब जानती हूँ मैं। मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, ये शुरुआत है। ये जो आग तुमने लगाई है ना, बहुत जल्द इसमें जलकर राख हो जाओगी। भाभी लग रहा है जल तो आप रही हैं, कि कहीं हम आपकी बराबरी पर ना आ जाए। कुछ भी कर लो, मेरी बराबरी तुम नहीं कर पाओगी। ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। भाभी बहुत गुरूर है ना आपको खुद पर, मुझे ये गुरूर टूटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ गुरूर मान टूटेगा मेरा, तुम्हें बहन जो समझा मैंने, अपनी छोटी बहन समझती रही हूँ मैं तुम्हें। देखिए तुम तो हस्तीन का सांप निकली, जिसे डसता तो था ही। बस भाभी बहुत सुना लिया आपने मुझे, चली जाए आप यहां से। अभी तो मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन लो, अच्छी तरह याद रखना, तुम्हारी ये साजिश में कामयाब नहीं हूं। भाभी का तो दिमाग खराब हो गया, कैसे बताऊं इनको साजिश में मेरा नहीं उस रॉयला का हाथ है, जिसको देखो मुझे ही सुनाया, मुझे भी बोलता है, नहीं सुननी मुझे किसी की बात। साजिश बिल्कुल साजिश बहुत है। अभी मैं ऐसा कर भी कैसे सकता है, और आप इस बात पर खामोश बैठी हैं, अम्मा कुछ कह भी नहीं रही हैं। अरे हम क्या बोले, जो होना था वो तो हो गया ना। अम्मा अम्मा कहीं आप भी हबीब की तरफ तो नहीं हो गई हैं? वरना आप तो पहले बढ़ चढ़ कर आगे बोलती थी, आपको तो जैसे चुप लग गई है। हाँ मैं चुप लग गई है, जब से हमारे इस दुनिया से गया मैं चुप ही लग गई है। हमारे हाथ पाँव कट के रह गए, मोहताज हो गए तुम लोगों के। तुम लोग आके अपना हुक्म सुना देते और हम सुन लेते हैं, हमारी सुनता कौन है यार। अम्मा आप सिर्फ ये कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, आप अभी भी इस घर की बड़ी है, आपके आगे कोई नहीं बोल सकता। आपने खुद ही हबीब को बहुत डील दे रखी है, तभी तो वो अपनी मनमानी कर रहा है। हाँ तो तुम लोग क्या चाहते हो हम क्या करें? बस आप हबीब को अपना फैसला सुना दे, वरना वो इसी तरह बाहर अपना बिजनेस बांट देगा। हाँ सायका ठीक कह रही है अम्मा जी,
मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, अबीब का रवैया अच्छा नहीं है फाकर के साथ। वो उसे आगे ही नहीं आने देता, ना मुझे कुछ बोलने देता है, सारे फैसले खुद ही कर रहा होता है। बिजनेस पर कब्जा ही करके बैठ गया है वो तो। अगर वक्त पर आप कुछ नहीं बोलेंगी तो मुझे लगता है वो हमसे हमारा हिस्सा भी छीन लेगा। सुन रही हैं? देख रही हैं हबीब की चलाकियां? हम तो कहते हैं आप बस हबीब को हटा दे बिजनेस से, फराज साहब और फाखिर देख लेंगे। नहीं तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा वास्ता क्या है इन सब बातों से है? भाई जहीर का बिजनेस था, हबीब ने संभाल लिया, दोनों भाई हैं, दोनों को हक बनता है, तुम्हारा क्या हक बनता है? ऐसे कैसे नहीं हक बनता? लिया क्या है आज तक हमने इस घर से? शादी के नाम पे जहेज दे दिया तो हक पूरा हो गया। इस घर की बेटी हैं हम, और जितना सबका हक बनता है ना उतना हमारा भी हक बनता है। तुम शायद ये बात भूल रही हो सायका कि ये बिजनेस जहीर ने अपने दम पे खड़ा किया था, अपने दम पर। इसमें सिर्फ फाखिर और समीना का हक है, समझी ना? तो थोड़ा बहुत हबीब का भी, इसलिए कि जहीर ने उससे वादा किया था। वाह अम्मा, आपने तो हमें दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। ठीक है, जब आप जहीर भाई के वादे इतने ही पूरे कर रही हैं तो एक और वादा पूरा कर दें, हमें हमारा हक दिलवा दें, हम इस घर से चले जाएं। ये क्या चल रहा है? अम्मा आपसे बात कर रही हूँ मैं, जवाब दे मुझे। हाँ यकीन, घर में क्या चल रहा है? अब्बा ने क्या किया है? वही जो नहीं करना चाहिए था। हाँ? फैसला कर लिया और सबको बता दिया, जमशेद मामा को बिजनेस में शामिल कर दिया। हाँ तो अम्मा, अब्बा ने जो भी किया है इसकी वजह से मुझे क्यों बातें सुनने को मिल रही हैं? तुम्हें किसने बातें सुनाई? फाखिर ने? जी, सारा अब्बा का गुस्सा आके उसने मुझ पे निकाल दिया। और अम्मा मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, ये कोई बात होती है? इस घर के मर्दों का यही, जब कुछ समझ में ना आए तो घर की औरतों पर सारा गुस्सा निकाल दो। हाँ लेकिन अम्मा मैं भी थोड़ी ना चुप रही, उसने मुझे सुनाया और मैंने उसको जवाब दिया, ठीक ठाक सुनाई, याद रखेगा वो। मैं इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उसको जवाब दे थी? अम्मा आप मुझे डांटेंगी नहीं कि मैंने फाखिर को जवाब दिया? मैं क्यों डांटूंगी? क्या आप हर वक्त मुझे यही तो कहती रहती हैं कि ज्यादा बोला मत करो, जवाब मत दिया करो, चुप करके बैठा करो, बदतमीजी मत किया करो, बड़ों का के जबान नहीं चलाया करो, शोर गलत भी हो तब भी उसकी इताअत करो, ज़बान बंद रखो, है ना? हम औरतों को बचपन से सब्र ही तो करना सिखाया गया है, जो खुद सीखा हो तो मैं भी सिखा दियो। किन तुम्हें देखकर बात खुशी हो रही है? तुम मेरी तरह नहीं हो, डरपोक और स्टिल। अम्मा आप ठीक तो है ना? तुम्हारे लिए बहुत दुआ करती हूँ जान। क्यों ना मेरी बच्ची को सारी खुशियाँ, सारी कामयाबियाँ, हर तरह की जो तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहो ना, तुम्हें वो जिंदगी अदा कर। अपने लिए कभी कुछ करी ना? माँ ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अल्लाह तुम्हें मजबूत, कामयाब, खुशनसीब, तमाम खुशियां तक नहीं जाऊँ।